लगता है जैसे सारे संसार की शादी है। आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है। हाथ टूटने तक तालियां फॉर इंडियाज मोस्ट लव्ड कपल। बच्चे बहुत ही अच्छे हैं आप तमाम लोग जिनको लेकर आए हैं। मैं तो बहुत ही कायल हूं इंडियन आइडल का, और इंडियन आइडल का जिसने इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म दिया है। आज देश में सबसे ज्यादा टैलेंटेड, सबसे ज्यादा सुंदर और होनहार बच्चे अगर कहीं दिखाई पड़ते हैं अपनी कला के साथ, कलाकृति के साथ, नृत्य संगीत के साथ, तो इंडियन आइडल में और उनको जज करने वाले महाकाबिल मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटी, मैं अपनी धर्म पत्नी के साथ, नहीं पत्नी तो एक ही है, चाहे धर्म पत्नी हो चाहे जो पत्नी कहें, एक ही पत्नी अभी तक, और उनके साथ यहाँ शामिल हुआ हूँ आपके निमंत्रण पे। और आदित्य, हिमेश और विशाल डडलानी के जादू पे तो मैं इसके लिए बहुत आपका अनुग्रहित हूँ। और अब बैठ जाइए आप लोग खामोश खामोश। आज हम शादी स्पेशल मना रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ज्यादा बोल नहीं पाऊंगा जी सर, क्योंकि जब से मेरा एक्सीडेंट हुआ है। एक्सीडेंट? हाँ, मैंने मेरी शादी हुई है जब से तब से मैं ज्यादा नहीं बोलता हूँ। बोलने का जिम्मा मैंने इनके ऊपर दे दिया, तो पहले आप बोल लीजिए, उसके बाद बचा खुचा मैं कोशिश करूंगा। इसी चक्कर में 43 इयर्स गंवा दिए। अरे भाई जोरदार तालियां। जो थोड़ी बहुत कुछ कन्याएं देख रही होंगी, जिन महिलाओं में अभी भी थोड़ा बहुत मेरा आकर्षण होगा, कि 43 इयर्स करके खत्म ही कर दिया इन्होंने यहाँ पे। अब मैं करूँ तो क्या? तो चलिए शुरू करते हैं आज का एक्साइटिंग एपिसोड। इंडिया में शादी मतलब दो दिनों का मिलन तो है ही, इसके साथ है हजारों पहचान वालों को बुलाना, जो रिश्तेदार गलती से छूट गए उनका मुंह फुलाना, रिश्तेदारों का ठूस ठूस कर 7 दिन पहले से आना, हर शाम गाना बजाना, ऐसे खाना जैसे बरसों से नहीं खाया हो, कुछ ऐसों का भी आना जाना जिनको बेमन से बुलाया हो, शादी में फूफा और मौसा का बेवजह रूठना, जीजा को 51,000 से कम में नहीं लूटना, हल्ला गुल्ला, नाच गाना, हल्दी, सगाई, संगीत, आज इन सारी एक्टिविटीज को म्यूजिक के साथ जीने के लिए वेलकम टू इंडियन आइडल शादी ब्याह स्पेशल। बुलाते हैं आज की पहली कंटेस्टेंट को, सोनाक्षी कर। साथी रे भूल न
तुझको दिखाई देंगे पर हम ना नजर आएंगे, आंचल में संजो लेना हमको, सपनों में बुला लेना हमको। अब हम तो भाई परदेसी के किराया कोई नहीं, किराया कोई नहीं, ये गलियां ये चौबारा यहाँ आना ना दोबारा, अब हम तो भाई परदेसी के किराया कोई नहीं, ये किराया कोई नहीं। क्या बात है, क्या जच रहा था ये गाना आपकी आवाज में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसको सार्थक किया कि जो कहते हैं ना कि एफर्टलेस दिखाने के लिए एफर्ट बहुत जरूरी है। बहुत ही एफर्ट करने के बाद ये सब मिसाल हैं, हिमेश हो, विशाल हो या आदित्य हो, ये लोग इनके इनके पिताजी हो, उदित बाबू हो, ये लोग बहुत मेहनत किया है, बहुत मेहनत किया है, बहुत एफर्ट किया, तब रिजल्ट जो आता है एफर्टलेस आता है। आज आपको मैं पहली बार मिल रहा हूँ, हालांकि आपके नाम से बहुत भली भांति परिचित हूँ, लेकिन पहली बार मिलने के बावजूद कह सकता हूँ कि आपने बड़ी कोशिश की है, संगीत की सेवा की है आपने। थैंक यू सर। बांगाली ना की जी सर होएगा छे কোথায় মা বাবা কোথায় মা আপনি ওখানে বসে আছেন নমস্কার ভালো আছি ভালো আছি मुझे सर और मैम से कुछ सवाल पूछना था। जी पूछिए। सर मैम मैं तो पहले से ही सर का बहुत बड़ा फैन हूँ और मैम तो कितने खूबसूरत है अभी भी। आप दोनों में से पहले कौन प्रपोज किया था एक दूसरे का? अरे लव स्टोरी बड़ी ट्रेजिक थी। हम लोग एक ट्रेन में मिले थे, मैं अकेला पहली बार निकला था घर से बाहर और ये बैठी थी उसमें उसी कंपार्टमेंट में, किसी की शादी अटेंड करने आई थी। अच्छा। और मेरी सासू माँ जो बाद में सासू माँ बनी वो साथ में थी, तो मैं बहुत अपनी माँ को बाबा को छोड़ के आ रहा था, बहुत रो रहा था कि मुझे कैसे रहूँगा हॉस्टल में, कैसे गुजारूँगा, घर से बाहर कभी गया ही नहीं था। ट्रेन में मिली है, सामने की सीट पे लगता किसी बात पे ही, छोटी थी स्कूल में थी, तो सासू माँ ने किसी बात पे डांटा था इनको तो ये रो रही थी, ऐसे ही रोते रोते हम दूसरे से मिले, मैं रो रहा था ये रो रही थी। आज शादी के इतने साल हो गए हैं, तीन तीन बच्चे हैं, लव कुश और सोनाक्षी, लेकिन हमारे कैरेक्टर में कोई परिवर्तन नहीं आया। अभी भी मैं रो रहा हूं और ये भी रो रही है, दोनों का रोना बरकरार है। हमारी सासू माँ बहुत अच्छी लेडी थी, बाद में मुझे बहुत मानने लगी थी, उन्होंने सीधा रिजेक्ट कर दिया था मुझे। क्यों सर? सीधा। और जब उस समय मैं करीब करीब स्टार बन चुका था, नाम हो गया था, कुछ फिल्में कर रहा था, उसके बाद सासू माँ ने रिजेक्ट कर दिया और उन्होंने कहा कि तुमने अपने भाई का शक्ल देखा है मेरे बारे में, गली का गुंडा दिखता है। वो है, वो कालिया है, मेरी बेटी इतनी सुंदर है, मिस इंडिया है, दूध की धुली दिखती है, कितनी गोरी चिट्टी है, कभी सोचा है दोनों को खड़ा करके अगर कलर्ड फोटोग्राफ भी खींचेगा तो ब्लैक एंड व्हाइट का इफेक्ट आएगा, ब्लैक एंड व्हाइट का, ये काला वो गोरा। वैसे हुआ था। बाद में मेरी बदकिस्मत, मेरी में खुशकिस्मती कि बाद में सासू माँ मान गई तो उसके बाद शादी हुई तो जैसा मैंने कहा ट्रेन वाला किस्सा, अभी भी कैरेक्टर बरकरार है, मैं रो रहा हूं और ये रो रही है। मैम सर ने आपको लास्ट टाइम आई लव यू कब बोला था?
अब तो मुझे भी याद नहीं है सच में। ये कई बार पहले कहती थी कि सात जन्म तक यही घर हो, यही परिवार हो, यही पति हो हमारा, सात जन्म तक। अभी हाल में कहना शुरू किया है, ये लगता है मेरा आखिरी जन्म है। जजेस स्कोर्स दे दीजिए प्लीज। तो चलिए बुलाते हैं अगली कंटेस्टेंट को, विदिप्ता चक्रवर्ती। ये क्या हो रहा है इंडियन आइडल के सेट पर? मुझे लग रहा है कि बिदिप्ता ने तो वो गाया है कि जेन्युइनली ऐतिहासिक परफॉर्मेंस है आज का। थैंक यू सो मच सर। ऐसा लगता ही नहीं है कि तुम एक कंटेस्टेंट हो, ऐसा लगता है कि तुम 400-500 गाने गाकर फिर से एक बार यहाँ पर परफॉर्म करने आई हो। बिदिप्ता, यू आर सो कॉन्फिडेंट एंड तुम्हारे सुर इतने अच्छे लगते हैं कि जेन्युइनली अगेन तुम्हारे बारे में भी यही कह सकता हूँ कि जिस तरह ऋषि को मैं टॉप 5 में देखता हूँ, तुम्हें डेफिनेटली टॉप 5 में देखता हूँ। बहुत अच्छा, फैंटास्टिक। बहुत दिनों बाद देख रहा हूँ, खासकर न्यू कमर में, और आपके सोनी के जरिए जो बार बार रियलिटी शो आता है, इतना अच्छा आता है, इतना बढ़िया होता है, उसमें देख रहा हूँ कि इनके गाने में
दो तीन चीज बहुत उभर कर आई. एक तो ठहराव है, दूसरा क्लैरिटी है, और मुद्रा बहुत रिलैक्स्ड है. बिल्कुल. बहुत बढ़िया प्रस्तुतिकरण किया, बहुत अच्छे से पेश की. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू. कुछ दोस्तों ने आपकी बहुत तारीफ की है. हमारे एक फैमिली फ्रेंड हैं जो यहाँ आए थे, सुभाष गई थे, इनके भाई हैं, उन्होंने बहुत तारीफ की आपकी. दीप्ता, क्या आप हीरोइन बनना पसंद करेंगी? और मैं उनकी बात से सहमत हूँ कि आपका भविष्य वाकई बहुत उज्जवल है, सुंदर. थैंक यू सो मच. और बिदिप्ता, आपने मौसम बदल दिया. अब वो जिनके पापा उन्हें और पापाओं की तरह ये नहीं बोल पाए कि बेटी तू बड़ी होगी तो तुझे कोई राजकुमार मिलेगा शादी के लिए, पर पापा ने बेटी को ऐसे तैयार किया कि आज करोड़ों पापा अपने बेटों से कह रहे हैं कि काबिल बनेगा तो तेरी शादी सिंगिंग की राजकुमारी देवोश्मिता से करवाएंगे. इसे कहते हैं लाइफ का कंप्लीट सर्कल. और इसीलिए जो अपने पापा के कदमों पर बिछा देना चाहती है दुनिया का हर जॉय, देवोश्मिता रॉय. जा रे जाओ, हट जाओ.
क्या बात है देवोश्वेता, क्या फिल्में थी, क्या गाने, ओ माय गॉड, आज भी इतने फ्रेश लगते हैं, मजेदार। सर कैसी लगी आपको देवोश्वेता? फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया। थैंक यू। আপনার বাবা মা ওইখানে বসে আছেন তো? আপনি ওনার সঙ্গে একটু কথা বলবো আমি। কিন্তু তার আগে আমি বলতে চাই, ফ্যান্টাস্টিক, থ্যাংক ইউ স্যার, এত কনফিডেন্ট তুমি করেছো। থ্যাংক ইউ স্যার। আর সবচেয়ে বড়িয়া হ্যায় কি ইনকা বিইং এ বেঙ্গলি আর ইতনা বড়িয়া ইনকা প্র্যাকটিস হ্যায় কি ইনকা প্রোনাউন্সিয়েশন, ডিকশন, তলফুজ জি ইতনা বড়িয়া হ্যায়, কোই কহি নি সকতা, কহিন কোই অ্যাকসেন্ট নাহি হ্যায়। তো বহুত সালোন সে মেহনত কি হ্যায় আর সবচেয়ে বড়ি বাত মে কহুঙ্গা, জিন লোগো নে মেহনত করওয়াই হ্যায়, यानी वुमेन एम्पावरमेंट के दौर में जिसने आपको एम्पावरमेंट तक पहुंचाया है वो आपके माता पिता हैं। गजब किया आप लोगों ने, आपने बहुत स्ट्रगल किया है, आपने काफी गरीबी भी देखी है, बेटी पे बहुत ही ध्यान रखा है आपने, कोशिश की है, आपने सपोर्ट करे छेन, सेजन ने अपना के भीषण हमें थैंक्स बोल ची, आभार अपना के जाना अच्छी हमी। लेकिन साथ साथ ये भी कह रहा हूँ कि ये घबराने की जरूरत नहीं है, इस गरीब यहाँ बहुत सारे लोग हैं, मैं आदित्य का तो नहीं कहूँगा लेकिन आदित्य के पिताजी उदित नारायण जी का जिक्र कर रहा हूँ, उन्होंने जो गरीबी देखी है वो 100-100 रुपये में भी गाना बहुत देर से गाया था उन्होंने, उस समय तो 100 रुपये भी बहुत बाद में मिलते थे। मैंने भी आपके सामने एक उदाहरण हूँ कि मैंने 5 रुपये में रेडियो प्ले करने गया था स्ट्रगल डेज में, बड़े बड़े लोग हैं, धर्मेंद्र साहब हैं, बड़े भाई सवान, बहुत स्ट्रगल किया, अमिताभ बच्चन हैं, बहुत लोग हैं, और कई लोग तो इसमें ऐसे हैं जो आपको पता ही होगा, जो रात में फुटपाथ पे सोते थे, रेलवे स्टेशन पे सोते थे, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज महान कलाकार बने थे, बड़े बड़े स्टार्स बने। मैं भी 150 से 200 रुपये के अंदर में मैं महीना गुजारता था, उसी में सोचिए कपड़े भी धुलाना, बस से ट्रेवल भी करना, खाना या कई बार खाना नहीं खाना, ये सब करके, लेकिन एक हौसला था, एक कॉन्फिडेंस था, एक पैशन था कि जिंदगी में कुछ करना है और करेंगे, और शायद ऊपर वाले ने सुन ली और मुझे वो रास्ता मिला, वो दिशा मिली, सही दिशा में आया, नई दिशा में आया, चाहे कला का मंच हो चाहे राजनीति का क्षेत्र हो, दोनों जगह अच्छी उड़ान रही। इसीलिए मैं आप दोनों को देख के ये कहना चाहता हूँ, कभी बच्चों का भविष्य का फैसला अपने अहम के ऊपर ना करें कि हम चाहते हैं मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, हम चाहते हैं हमारा बेटा जो है इंजीनियर बनेगा। अरे कैसे बनेगा भाई, कौआ बनेगा वो, अगर उसके अंदर टैलेंट नहीं है तो कैसे बनेगा? उसको बनना है अगर तो उसके एप्टीट्यूड पे जाओ, उसकी रुचि पे जाओ, उसके टैलेंट पे जाओ, जैसे आप दोनों गए, देवू जी नीता जी आप गए। याद रखिएगा कि ये लड़की जो है अपने हुनर से, अपने टैलेंट के बल पे, अपनी रुचि के बल पे और अपने पैशन के बल पे सिर्फ समाज का और आप लोग का ही नहीं, सिर्फ बंगाल का ही नहीं, पूरे भारतवर्ष का नाम रोशन करेगी। कि गायिका को अब नायिका के बारे में कुछ बताना चाहूंगा। हाँ, ये आपने दो गाने जो गाए पेश किए अभी, एक रीना रॉय की वो जा रहे जाओ हर जाई, इधर मत देखे मैं उधर देख रहा हूँ, तो खामोश तू घर चल। तो रीना रॉय की बात की, बहुत अच्छा वो इसमें, बट उन्होंने भी जीवन में बहुत स्ट्रगल किया है, गॉड ब्लेस यू, बहुत अच्छी आपने वाकई मौसम बदल दिया। क्या बात, थैंक यू सर। तो चलिए बुलाते हैं अगले कंटेस्टेंट को, इंटरनेशनल रिजेक्टर चिराग कोटवाल। अमीर से होती है
मगर जहाँ भी होती है ए मेरे दोस्त, शादियाँ तो नसीब से होती है। आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है, यार की शादी है, मेरे दिलदार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है। लगता है जैसे सारे संसार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है। शुभ लगन मुहूर्त देखो क्या खूब जची है, दूल्हे की भोली सूरत, दूल्हे की भोली सूरत, खुशी से झूमे है मन, मिला सजनी को साजन, कैसे संजोग मिले हैं, चोली से बंध गया दामन, चोली से बंध गया दामन। आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है। बहुत अच्छा, ये देवेंद्र गोयल साहब, लेट एंड ग्रेट देवेंद्र गोयल साहब की फिल्म आदमी सड़क का, उस फिल्म का गाना ये, और इससे याद ये जुड़ी हुई है कि मुझे भी किसी को नहीं पता था, रवि साहब का, हिमेश रवि साहब इसके म्यूजिक डायरेक्टर थे जी। और किसी को नहीं पता था कि ये सदियों तक गाना पॉपुलर रहेगा। आज हिंदुस्तान में शायद आज भी कोई शादी कंप्लीट नहीं होती है इस गाने के बगैर। मैं बहुत कतरा रहा था, घबरा रहा था गाना करने से, और मैं जुहू स्कीम में मुंबई में ताज़ा ताज़ा आया था, और आया था मुझे लग रहा था कि अब पड़ोसी क्या सोचेंगे रात में कि मैं गाना गा रहा हूँ और वही एक बिहार की शादी है, तो मैं बहुत शर्मा रहा था, बहुत कतरा रहा था, और मैं करने से बहुत हिचक रहा था। बहरहाल मैंने किया, और इससे रवि साहब ने कहा था याद रखना ये गाना आजीवन चलेगा बेशक, और वाकई उनकी बात सत्य निकली, उन्होंने बहुत अच्छा गाया, रिच वॉयस है इनकी, अच्छी वॉयस है, कई लोग कहेंगे कि बैरिटोन है लेकिन बढ़िया है, और मुझे इनका थैंक यू सर, भविष्य बहुत उज्ज्वल दिखता है मुझे। क्या बात, थैंक यू सर। मैम मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, हमारे जो शत्रु सर हैं वो इतने हैंडसम हैं, इतनी कमाल की उनकी पर्सनालिटी है, तो वो कौन सी बात थी जो देखकर आपको उनसे प्यार हो गया? इनकी ड्रीम लाइक आंखें। ओहो हो, इनकी ड्रीम लाइक आंखें जी, सब 43 साल, उसी से फ्लर्ट होता था इनका, सब आंखें मिचका के विंक करके सबको उल्लू बनाते थे। वन वुमन मैन एट ए टाइम, वन वुमन मैन एट ए टाइम। मैं कोशिश करता हूँ कभी कभी, वैसे अक्सर पिट जाता हूँ। कोशिश तो बहुत, कभी कभी नहीं, ये मेरी जो चूड़ियाँ है ना इससे बांध के रखा है मेरा नाम और इनका नाम। हाय हाय, क्या बात, क्या बात। छोटा सा मेरे पास आइडिया है विशु सर, एचआर जी जी, और मुझे लगता है इसके बाद साफ साफ पता चल जाएगा कि घर पे किसकी चलती है। बड़ा खतरनाक आइडिया दिख रहा है।
इसमें एक अंगूठी है और जो पहले निकाल लेगा उससे ये प्रूव हो जाएगा कि किसकी चलती है। आपका समय शुरू होता है अभी। इन 3, 2, 1 गो। सर तो कोशिश कीजिए, सर कोशिश कीजिए। क्या बात है, अरे सर आपने तो कोशिश भी नहीं की। सर आदित्य सुन के जाओ, कोशिश पे सुन के जाओ। जी सर, मैं तो ऐसे ही बहुत दहेज प्रथा के खिलाफ रहा हूँ, शुरू आज भी हूँ। इस घर से मुझे एक अंगूठी मिली थी और वो अंगूठी मिली थी और वो मैंने कहा कि नहीं, कहाँ ये सब पहनना है, पता चलेगा कि अंगूठी नहीं नहीं ये अंगूठी तो पहननी पड़ेगी, अब आपकी शादी हुई है यहाँ पे और सिंधी घराने में हुई है तो चलिए अंगूठी पहन ली हमने। और अंगूठी पहनने के बाद अचानक इनकी नज़र गई कि ये अंगूठी क्यों लूज है क्या। हमने कहा हाँ, कहती ठहरी मैं इसको ठीक करवा देती हूँ, बनवा देती हूँ। इन्होंने अंगूठी निकाली, ठीक करवाने भेजी, आज तक वापस नहीं आई है। अफोज इनको माधुरी जी ने क्या दिया मेकओवर? मैं उसे एक नया लुक देने वाली हूँ, शिवम को। इनके तो तेवर ही बदल गए तेवर। तुम्हें मेरी कसम है, खत्म। अगर तुमने चेंज किया अपने आप को। जिनको माधुरी जी ने दी बदलने की कसम, कूल ड्यूड सेक्सी शिवम। चाहे दुश्मन जमाना हमारा, बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा, बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा, सलामत दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। ना बिछड़ेंगे मर के भी हम दोस्तों, ना बिछड़ेंगे मर के भी हम दोस्तों, हमें दोस्ती कसम दोस्तों, पता कोई पूछे तो कहते हैं हम कि एक दूजे के दिल में रहते हैं हम, रहते हैं हम, नहीं और कोई ठिकाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा, दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा, बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा।
कल हम कहा तुम कहा। क्या फिल्में हैं, क्या गाने हैं और सर की क्या परफॉर्मेंस है। सर के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए यार। एपिक एपिक कॉन्फिडेंस लेवल तो बहुत बढ़िया है ही, बहुत बढ़िया है कॉन्फिडेंस लेवल शिवम। और इसी कॉन्फिडेंस लेवल की वजह से जो सुर का ज्ञान चाहे जो गाना गाया है वो ऐसा लगता है कि ओरिजिनल भी तुम्हारा ही गाया हुआ है। क्या बात है, थैंक यू सो मच सर। क्या बात है सर, आप यहाँ पर आए हैं और आपके हिस्टोरिक कुछ डायलॉग्स हमको, हम फैंस हैं आपके, रियल फैंस, और आपसे जरूर कम से कम मोहल्ले का मोहल्ला वाली लाइन आप हमारी फेवरेट है और उससे बड़ी लाइन नहीं है। उस वक्त भी तालियां बजती थी और आज भी लोग दीवाने हो जाते हैं वो सुनने के लिए। तो एक लाइन सर, आए तो कह देना छेनू आया था। बड़ी गर्मी है खून में तो बेशक आ जा मैदान में, जो हसरत निकालनी हो निकाल ले, लेकिन आइंदे अगर मेरे किसी भी लड़के को हाथ लगाया तो मोहल्ले का मोहल्ला उड़ा के रख दूंगा मैं। सर बोलना एक बात है लेकिन इस डायलॉग को ऐसे बोलना कि सामने वाला विश्वास कर ले कि हाँ ये मोहल्ला उड़ा देगा, सही एक ही आदमी कर सकता। सही बात है। और आपके पिताजी के लिए, जी सर, जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, और जिस राख से बारूद बने उसे विश्वनाथ कहते हैं, विश्वनाथ कहते हैं। मेरे अपने की बात हुई, विश्वनाथ की बात हुई, तो सबसे बड़े ऐतिहासिक कालीचरण की एक लाइन तो होनी चाहिए। हो इंस्पेक्टर प्रभाकर, हिस्टोरिक। वो अजीत अंकल कहते थे कि पानी के बगैर मछलियां कैसे तड़प रही। बात है सर, वो जवाब था जी हाँ ठीक उसी तरह से जिस तरह से देश के लाखों करोड़ों बच्चे अनाज के बिना भूख से तड़प रहे हैं। और ये नीच काम करना बहुत अच्छी तरह जानते हैं सेठ दीनदयाल, लेकिन ये मत भूलिएगा जिस दिन देश का भूखा बचपन अपनी जवानी में आएगा उस दिन दिल में बदले की भावना होगी, हाथ में चाकू छुरी तलवार होंगे
और जो आप जैसे सेठों के पेट को फाड़ कर चिल्ला चिल्ला कर कहेंगे, फाड़ डालो ऐसे भेड़ियों को, चीर डालो ऐसे गद्दारों को, तब सरकार तो क्या भगवान भी आपकी मदद नहीं कर सकेगा। इस पे अजीत साहब का था, बड़ी बड़ी बातें करने तो मुझे भी आती हैं, लेकिन ये मत भूलो कि सारा शहर मुझे एक लॉयन के नाम से जानता है। जवाब आया, जानता हूं सारा शहर आपको एक लॉयन के नाम से जानता है, लेकिन इतना जरूर याद रखेगा सेठ दीनदयाल, जब शेर आदम खोर हो जाता है तो सरकार उसे अपने गोली का निशाना बनाकर कुत्ते की मौत मार देती है। और इस बार उस शेर के शिकारी का नाम है प्रभाकर श्रीवास्तव। शिवम, आपने मौसम बदल दिया। जजेस, शिवम की परफॉर्मेंस पर स्कोर दे दीजिए प्लीज। वेल डन शिवम, बहुत अच्छे हैं, मजा आ गया, सुपर। थैंक यू। अब वो जिन्होंने अयोध्या की उस मिट्टी में जन्म लिया जिस मिट्टी में प्रभु श्री राम ने जन्म लिया। अयोध्या की उस हवा में सांस ली जिसमें प्रभु श्री राम ने सांस ली। सरयू नदी का वो पवित्र पानी पिया जो श्री राम ने पिया। ऐसी रचना और इतनी काबिलियत, अब बताइए कौन रोक सकता है इन्हें फ्रॉम बनने द नेक्स्ट बिग थिंग। देश का दुलारा ऋषि सिंह। अच्छा चलता हूं दुआओं में याद रखना, मेरे जिक्र का जुबां पे स्वाद रखना। अच्छा चलता हूं दुआओं में याद रखना, मेरे जिक्र का जुबां पे स्वाद रखना, दिल के संदूकों में मेरे अच्छे काम रखना, चिट्ठी तारों में भी मेरा तू सलाम रखना। अंधेरा तेरा मैंने ले लिया, मेरा उजला सितारा तेरे नाम किया, चन्ना मेरे मेरे या, मेरे या, चन्ना मेरे या, मेरे या।
बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वाह वाह, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ऋषि, मैं नोटिस कर रहा था आप जब गा रहे थे, शत्रुघ्न सर आपकी सिंगिंग और आपके गाने में खो गए थे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, थैंक यू, वंडरफुल। आप कहाँ, अयोध्या से हैं? जी सर, जी। ओह, तो अयोध्या का जादू सर चढ़ के बोल रहा है आपके, आपकी आवाज बहुत अच्छी है, कॉन्फिडेंस है आपके अंदर में। मुझे लगता है कि आने आने वाले दिनों में आप अपना, अपने परिवार का, अपने समाज का, अपने अयोध्या का, या हम सबों के अयोध्या का बहुत नाम रोशन करेंगे। थैंक यू सर। ऋषि, आप अयोध्या से हो, हम रामायण से हैं। हाय हाय, क्या बात है? हम, हमारे घर का नाम रामायणा है और मेरे बेटे हैं लवकुश और बिलीव मी, हमें मौका ही नहीं मिला कि हम उनका कुछ नाम रखें, क्योंकि सारे लोग मीडिया से लेके हर कोई यही कहे कि रामायण में लवकुश आ गए। जी, क्या बात। और हमारे घर में सुबह होती है भजन सुनते हुए, तो मैं चाहूंगी कि आप अपने आवाज में कुछ अच्छा सा भजन हमको टेप करके भेजिए, ठीक है? क्या बात है, अरे वाह, ये बहुत बड़ी बात है कि मतलब आप ऋषि की आवाज में अपने घर में भजन सुनना चाहती हैं। मैं सोनी से दरख्वास्त करूंगा कि ना ही सिर्फ मैम को भेजें, लेकिन बिकॉज मैम ने ये रिक्वेस्ट किया, ये जो भजन रिकॉर्ड करें ये पब्लिक में भी आना चाहिए, लोगों को, लोगों के पास जाना चाहिए। वी शुड रिलीज इट। बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात। ऋषि, तुम जब इन गानों को गाते हो तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि एक पर्सनल कनेक्ट है, मोहब्बत का कनेक्ट है। ऑफ कोर्स सर। तुम कुछ कहना चाहते हो शादी के लिए, मोहब्बत के लिए? एक्चुअली एचआर शर्मा रहे हैं, वो ये पूछना चाहते हैं कि शादी ब्याह का कोई प्लान है, कुछ सोच के रखा है, कोई लड़की है क्या दिमाग में, है ना सर? हाँ, लड़की तो है सर। वाह, लड़की है, ये तो पहली बार कहा है भाई। क्या कोई बात कुछ है, बड़ी माइंड ब्लोइंग लड़की फसाई, मम्मी कसम मैं तो गया टाई। लड़की तो है पर मम्मी पापा को अभी तक वो बात पहुंची नहीं है उनके तक। हम तक भी नहीं पहुंची ना, कब बताओगे कौन है वो? शो के बाद बताई दूंगा उनको। शो में बताओ ना, शो के बाद क्यों बताओ? अरे नहीं नहीं ऋषि, ऐसा मत कीजिए। देखिए, ये इंडियन आइडल है, ये शो कब खत्म होगा इसकी गारंटी सोनी टीवी भी नहीं ले सकता है। बता दो, आज अच्छा दिन है तो तुम्हारी शादी की डेट निकाल देते हैं आज ही यहाँ पे। शर्मा रहे हो? नहीं बताएगा सर। अयोध्या के लोग इतने अच्छे होते हैं, घर बार छोड़ देते हैं, लड़की का साथ नहीं छोड़ते। वाह, बहुत अच्छा गाया आपने। जजेस, इनकी परफॉर्मेंस पर स्कोर्स दे दीजिए प्लीज। थैंक यू ऋषि। थैंक यू सो मच। वैसे मैम, शादी की बहुत सारी फेस्टिवल्स होते हैं, रस्में इतनी सारी होती हैं, तो मैम शादी की वो कौन सी सबसे फेवरेट चीज़ है आपकी? सबसे फेवरेट चीज़ मेरी मेहंदी है। मेहंदी जो लगाते हैं ना? जी मैम। आई थिंक दैट्स रियली स्पेशल और हर दुल्हन को लगती है। बिल्कुल। और अच्छा भी लगता है उनको, सो आई थिंक मेहंदी मेरी सबसे स्पेशल। मैं चाहती थी कि मैं लगा के आऊं। हाँ जी मैम। लेकिन मुझे टाइम नहीं मिला, तो यहाँ पर है कोई जो लगाता है? अरे ऑफ कोर्स मैम। एक्चुअली मुझे मेहंदी लगाना बहुत पसंद है और जब भी कोई भी ओकेशन आता है मैं खुद से, मतलब इस हाथ में तो नहीं लगा पाती, बट इस हाथ में लगाती हूँ मैं खुद का ही। और मेरे आस पड़ोस में जितने भी जन रहते हैं, रिलेटिव्स, और सब मुझे ही बोलते हैं कि तू मुझे मेहंदी लगा दे, मेहंदी लगा दे। तो अगर आप परमिशन दे तो मैं आपको थोड़ा मेहंदी लगाऊं? जरूर जरूर, आ जाओ, नेकी और पूछ पूछ। क्या बात है, हो जाए। मेहंदी है नचने वाली, हाथों में गहरी लाली, कहीं सखियां अब
को बू और शाम देखो बहुत ही खूबसूरत फ्लावर बनाया है और हमारे नाम का थ्री वर्ड्स फर्स्ट थ्री वर्ड्स पू एंड शाह हैशटैग पूशा लिखा है मैंने ज्योति इतना प्यारा शगुन भी मिल गया आपको चलिए अब इसी आशीर्वाद के साथ एक प्यारा सा गाना भी सुना दीजिए दादा सुर दीजिए क्या बात है उड़ उड़ के तेरी जुल्फें करती है क्या इशारे दिल थाम के खड़े हैं
आशिक सभी कवारे चुप जाए सारी कुड़िया कानी शर्म के मारे गांव में आ गए हैं पागल शहर के सारे नजरें झुका के रखना दामन बचा के रखना नजरें झुका के रखना दामन बचा के रखना लेने तुझे अगोरी आएंगे तेरे सजना मेहंदी लगा के रखना डोली सजा के रखना सहरा सजा के रखना चेहरा छुपा के रखना शाबा ओए 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 शाबा वंडरफुल वंडरफुल ऐसी ही लड़की को कहा जाता है सर्वगुण संपन्न और मेरी पत्नी कह रही थी कि सर्वगुण संपन्न हर घर का सपना होता है वैसे घर में ऐसी बहू हो बेटी हो बहन हो माँ हो यानी औरत हो वुमेन एम्पावरमेंट के दौर में तो ऐसी हो जिसे कहा जा सके सर्व गुण संपन्न मैम अभी बोलेंगी बहुत बोलती हैं आप सेन ज्योति बहुत अच्छा गाया तुमने और ये तो इतना सुंदर लग मैं इसको दोंगी नहीं ऐसे ही जाऊंगी घर ठीक है Thank you so much, ma'am. Thank you so much for being so good, even in singing. Thank you. Thank you so much. Sanjuti, आप बहुत ही incredible कलाकार हो और for whatever so अगर 2023 में ये गाना record होता तो आपकी आवाज में अगर record होता तो गाने में कोई कमी नहीं होती. You are spot on. मतलब studio के लिए ready, so much, playback sir. singer ready. Incredible. Great job. Thank you so much. मौसम संजुति ने बदल दिया जजेस शेजूती की परफॉर्मेंस पर स्कोर दे दीजिए प्लीज थैंक यू शेजूती बहुत अच्छी मजा आ गया नवदीप इकड़े ये लवकर इतने आप उतर पूनम जी मुझे एचआर ने बताया कि आप दिन रात सोचती रहती हैं कि टाइटैनिक क्यों डूबा है ना मैं आपको बता दूं कि टाइटैनिक डूबा नहीं था गौर से देखिए इस दाढ़ी को इनकी दाढ़ी में फंस गया था तालियां ये तो कुछ नहीं मलेशिया का जो प्लेन लापता हो गया था इनकी दाढ़ी में मिला था क्योंकि जब वो प्लेन उड़ रहा था ये अपनी जंगल से घनी दाढ़ी आसमान में सुखा रहे थे इतनी सारी यातायात की चीजें जिन्होंने अपनी दाढ़ी में छुपा ली नवदीप वडा ली थैंक यू सर खुशी की मुबारक घड़ी आ गई है सजी सुर्ख जोड़े में चांद सी दुल्हन
जमीन पे फलक से परी आ गई सुहाना लगता है दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते हरे अपना बेगाना लगता है दूल्हे का सेवा सुहाना लगता है दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है खूबसूरत ये जमाने याद आएंगे चाह के भी हम तुम्हें ना भूल पाएंगे मुश्किल मामा मामा मा, मुश्किल का मन को छुड़ाना लगता है दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है तो दिल दीवाना लगता है पल पल में कैसे बदलते हैं रिश्ते अब तो हर अपना बेगाना लगता है दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है अति उत्तम
बहुत बढ़िया, प्रोफेशनल, एकदम बिल्कुल प्रोफेशनल, और फर्क महसूस करा दिया कई बार एमेच्योर्स में और प्रोफेशनल में क्या फर्क होता है, वो महसूस कराया, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर बहुत जान, बहुत 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 बढ़िया, बहुत सुंदर, थैंक यू सर। तुम इस कंपटीशन को जीतो या ना जीतो, तुम एक विनर हो, क्योंकि अपने आप में तुम बहुत ही ज्यादा गुणी कलाकार हो, जो बहुत सीखा हुआ कलाकार है, और उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन कंपटीशन अलग है, तुम अपने पिछले परफॉर्मेंस से फिर से एक्सेल कर सके, फैंटास्टिक, सुपर्ब, हिस्टोरिक, अनबीटेबल, इनक्रेडिबल, अल्टीमेट, एपिक, जय माता दी, लेट्स रॉक। थैंक यू। मौसम बदल दिया तुमने। जजेस, नवदीप की परफॉर्मेंस पर स्कोर्स दे दीजिए प्लीज। ओके, थैंक यू नवदीप, बहुत अच्छे यार। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।